नमस्कार। आज एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताया जा रहा हूँ जिसको आप चाहें तो एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं, छोटी सी दुकान से शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न है उसमें, बहुत अच्छा कमाई हो सकती है आपकी और महज 50,000 से 1,00,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं आप इंडिया में। जी हाँ, सही समझा आपने, मसाला उद्योग, स्पाइसेस उद्योग। मसाला भारत का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मसालों का और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है, क्योंकि हमारे देश में इतने तरह के मसाले होते हैं कि शायद मैं भी आपको नाम नहीं बता पाऊँगा किस किस तरह के मसाले कितने कितने होते हैं, किस किस वैरायटी में होते हैं। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में एक्सपोर्ट होते हैं हमारे देश से मसाले और बेहतरीन क्वालिटी के मसाले हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई तरह के सारे करीब करीब सारे मसाले होते हैं और भारत में एक समय में 2 या 3 जलवायु रहती है हमेशा, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मसाले होते हैं। सबसे ज़्यादा मसाले जो पैदा होते हैं भारत में वो साउथ के क्षेत्रों में होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं मसाले का एक बहुत बड़ा इतिहास भी है कि जो दुनिया के अंग्रेज़ या जो लोग आए थे देश में, आक्रमण किया था इन्होंने, राज किया, वो मसाले की वजह से आकर्षित होकर अट्रैक्ट होकर आए थे। तो दुनिया के अलग अलग देशों में भी उनके अपने जो भोजन बनाए जाते हैं उनमें भी कई तरह के मसाले डाले जाते हैं, तो कुछ वहाँ पैदा होते हैं, मोस्ट ऑफ देम इंडिया से जाता है, भारत से जाता है मसाला। तो तमाम तरह के मसाले मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि आपको कैसे कमाना है, कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, इसको ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप चाहे तो इसको 50,000 से लेकर 1,00,000 तक शुरू कर सकते हैं और या बहुत पैसा हो तो आप इसमें करोड़ों के प्लांट भी लगा सकते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मार्केट में हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जानते हैं, आप मसाले खाते हैं, तो वो करोड़ों के प्लांट लगे हुए हैं। एक समय था जो हमारे घर में हमारी माएँ दादियाँ या जो भी बड़े बुजुर्ग जो खाना बनाते थे वो हाथ से पीस कर बनाया करते थे, उनकी खुशबू अलग हुआ करती थी और उनमें स्वाद भी अलग हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों के पास समय कम होता गया, मेहनत करना छोड़ दिया लोगों ने, तो धीमे धीमे फिर ये एक्सिस्टेंस में आई कि मार्केट से पिसा हुआ ले लेंगे। ये सही बात है कि उसमें मार्केट से पिसा हुआ वो ना वो स्वाद होता है और हमारे देश में चूँकि शासन प्रशासन इतना सख्त नहीं है तो मिलावट भी बहुत होती है। काली मिर्च में पपीते के बीज हो गए, हल्दी में कुछ पीला पाउडर हो गया, बेसन में कुछ और हो गया, मक्के का आटा हो गया, इस तरह का तमाम तरह की चीज़ें हैं जो लोग मिला रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने इस अपने आप को सबसे अछूता रखा है और वो बहुत अच्छा व्यापार भी कर रहे हैं। हो सकता है उनको उतना मुनाफा ना होता हो परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन बल्क में जब सेल करेंगे तो मुनाफा होता ही होता है। दोस्तों, हर कोई आप अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी एक बात ध्यान रखिए कि क्वालिटी को मेंटेन करना है आपको। अगर आपने क्वालिटी को मेंटेन कर लिया तो ये है, हो सकता है कि आप शुरुआत में धीमे धीमे बढ़ें आगे, लेकिन जब आप बढ़ गए, आपका काम चल पड़ा, तो आपको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटे स्तर से कैसे शुरू किया जा सकता है, छोटे स्तर से शुरू करने के लिए आपको, तो दोस्तों काम शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो तरह से काम किया जा सकता है छोटे स्तर से, ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर छोटे स्तर से काम शुरू करना चाहते हैं मसाले का, तो आप मसाले बहुत तरह के होते हैं, आप दसियों मसालों को छोड़कर केवल एक या दो मसालों से, इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तो आप सबसे पहले ये चूज करिए, ये सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको मसाले पीस कर डोर टू डोर या शॉप टू शॉप शॉप्स को देने हैं, अलग अलग शॉप्स को देने हैं, उनको उनके थ्रू बेचने हैं, या फिर खुद का अपना एक शॉप कहीं देखकर वहीं से खुद सप्लाई करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए, ये दोनों को छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। देखिए, अगर आप डोर टू डोर करेंगे तो या शॉप टू शॉप करेंगे तो उसमें भी ये हो सकता है कि आप पहले सादे मसाले ना लें, पहले एक दो मसाले लें, जैसे कि आपका हल्दी हो गया, मिर्च हो गया,
ये जनरली हल्दी मिर्च तो चलता ही चलता है, और थोड़ा हो गया तो आपने सौंफ, जीरा, ये सब छोटी छोटी पैकिंग बना के रखना शुरू कर दिया। ऐसे करके कर सकते हैं, धीमे धीमे बढ़ता है। कोई भी काम है शुरुआत होती है छोटे से, क्योंकि आपके पास अगर पूंजी कम है, आपने 1 लाख रुपया एक थोड़े उससे उसके आसपास की रेंज से शुरू किया है काम, तो आपको ये इस तरह से करें आप तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपनी शॉप ले लें, एक कोई शॉप हो या कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर पब्लिक आती हो और जहाँ से बेचा जा सकता है, तो उसको आप आगे चल के बढ़ा सकते हैं। पहले शॉप में वह एक छोटी सी पीसने वाली मशीन लगा लें, वो हार्डली 10,000 से लेकर 25,000 तक की मशीनें आ जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की, ठीक ठाक, और ये हर जगह मिल जाती, सभी शहरों में अवेलेबल है, मिल जाता है। तो ऐसे कोई मशीन ले लें, उसमें अगर आपके आपसे देखें आपके पास कितनी पूंजी है, उसके हिसाब से 1 या 2 प्रोडक्ट से शुरू करें। सपोज़ करो आपने हल्दी ले लिए, हल्दी को आपने पीस के रख लिया, 10-20 किलो हल्दी पीस के रख लिया आपने सामने, कुछ को उनको पैकिंग करके बेच दिया, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, आधा आधा किलो के, कुछ अलग सा आइडिया सोचें। देखिए, कोई बिज़नेस करने के लिए कुछ आइडिया अलग होना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए आपको। जैसे मार्केट में 100 ग्राम 50 ग्राम हल्दी या मिर्च के पैकेट आ रहे हैं, तो आप देखिए आपके एरिए में कैसे लोग हैं, कैसी डिमांड है, क्या चाहते हैं वो, तो उस उनको उनके हिसाब से आप देखिए। हो सकता है अगर आपके एरिए में होटल रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा है, तो आप आधा आधा किलो की पैकिंग में कर सकते हैं, 1-1 किलो की पैकिंग में कर सकते हैं, 250-250 ग्राम की पैकिंग बना सकते हैं आप, इस तरह से कर सकते हैं। और किसी आपका आपका जो शॉप है वो किसी रेजिडेंशल एरिया में है, तो आप 100-100 ग्राम के, 50-50 ग्राम के, 250-250 ग्राम के ऐसे पैकेट बना सकते हैं। आपका अगर ये जो शॉप या ये आपका जो जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं वो जगह अगर किसी ऐसे टूरिज्म प्लेस के पास में है, तो वहाँ आप छोटे छोटे 5-5 रुपये के पैकेट, 2-2 रुपये के पैकेट, जिसमें 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम ऐसा कुछ हो, तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। थोड़ा और पैसा आ जाए तो एक पाउच पैकिंग मशीन लगा के, वो पाउच पैकिंग मशीन करीब 1 लाख रुपये से शुरू होती है, अपनी सुविधा के अनुसार ली जा सकती है, वो लगा के अच्छी सी ब्रांडिंग, अच्छा सा पैकेजिंग करके बेचा जा सकता है। और अगर आप शॉप टू शॉप बेच रहे हैं तो भी आप पहले हाथ से बना के, छोटी सी मशीन आती है 200-300 रुपये की, उसको आप पन्नी में पैक करके, तौल के, वजन करके, एक अपना लोगो वगैरह कुछ लगा के उसमें, उस मशीन से आप पैक कर सकते हैं पन्नी को, पहली पॉलिथिन को, इस तरह से बेचा जा सकता है आपको। ये भी सस्ता उपाय है, जुगाड़ है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये भी धीमे धीमे आपको प्रॉफिट हो उसके हिसाब से आप बढ़ाते रहिए काम को, ये एक अच्छा तरीका है। तो आप ऐसे कमा सकते हैं, एक अच्छा उद्योग है, डे बाई डे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत हमारा देश अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी करता है हर साल मसालों को। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको ये बिज़नेस, और ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भी कभी खाली नहीं रहेगा, आपको हर समय हमेशा चलने वाला बिज़नेस है, क्योंकि भारत में मसाले के बगैर कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है, तरह तरह के मसालों में, बस आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है और उसके बाद क्वांटिटी पे, भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन क्वांटिटी पे ध्यान दिए तो आपका प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा, बहुत अच्छा मार्जिन निकलेगा आपको, लेकिन शुरुआत में आपको अपनी प्रेस्टीज, अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों अब बात यहीं ख़त्म करता हूँ, बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, आगे आप क्या चाहते हैं ये बताइए, लेकिन लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।